जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल श्री सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए कुछ दिशा निर्देश मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें बहुत कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया और उनके सामने इस प्रकार की समस्याएं आई भी कि जी हमने साधना की, लेकिन साधना में हमें कोई अनुभव ही नहीं हुआ। हमने 21 दिन की साधना कर ली, लेकिन कोई भी अनुभव नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुभव क्यों नहीं हुआ, या फिर आपने ही अनुभव नहीं किया। यहां पर दो चीजें हैं कि आपने ही अनुभव नहीं किया या फिर अनुभव हुआ ही नहीं। और जो वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूं, वो इसी उद्देश्य पर है कि साधना साधना में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि साधना हमारी सिद्ध हो, साधना में अनुभव भी प्राप्त हो। तो साधना किस प्रकार से की जानी चाहिए, या फिर क्या किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये मुख्य इसका जो विषय है वो यही है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जिन लोगों को साधना में अनुभव नहीं हुए, उन लोगों का जो मन है ना, वो मन साधना तो तन तो साधना कर रहा है, लेकिन मन पूर्ण रूप से साधना में नहीं है। या फिर साधना कर रहे हो, साधना में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जो डूबा हुआ होता है, जो तीव्र वेग के साथ में साधना करता है, या जिसके जिसका जो मन है वो पूरी तरीके से साधना में लगा हुआ है, तो वो गौर से उन अनुभवों को भी देखता है कि तुझे कुछ अजीब, कुछ मेरे साथ तो नहीं हो रहा है कि कुछ लगे कि कुछ अजीब सा हो रहा है कहीं कहीं पे। जैसे कि आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा और सुना भी है कि जब अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था, तो वहां केवल उनको उसकी आंख ही नजर आ रही थी और दूसरी चीज नजर नहीं आ रही थी। तो मतलब उसका जो मन था, जो ध्यान था, वो एकाग्र होकर के और बिल्कुल केवल मछली की आंख पर था, बाकी और कोई चीज उसको नजर नहीं आ रही थी। कि नजर आने का मतलब कि उसका ध्यान ही कहीं दूसरी चीज पर नहीं था, तो वो सफलता प्राप्त कर सका। अब यहां पर क्या है कि जो साधना है और तपस्या है, इसमें डूबने का एक अलग ही आनंद होता है। जो तप है या साधना है, इसका संबंध जो होता है ना, इसका संबंध आपके मन से है। मन में यदि इनके प्रति अगर तीव्र लालसा उठे कि भाई मुझे साधना करनी है, बहुत अंदर से तीव्र उठे लालसा, तो फिर साधना आपकी सिद्ध होती है, तपस्या फिर आपकी प्रारंभ होती है। शरीर तो इन सबका एक माध्यम है भाई, शरीर जो है आपका वो केवल एक माध्यम है, बाकी जो जितनी भी सारी चीजें हैं वो मन से होती हैं। और शरीर इस पवित्र कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना बने, इसलिए उसका स्वस्थ रहना और उसका सबल रहना बहुत जरूरी है। अब मन का, अगर आप मन के अनुसार अगर काम करते हैं, तो शरीर का धर्म है ये, शरीर मन के साथ चलेगा। आपका मन किया कि मैं दिल्ली जाऊं या मद्रास जाऊं, तो फिर आपका शरीर आपके साथ चलेगा जहां भी आपको जाना होगा। यानी मन जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है शरीर। अब जहां तक बात है साधना की, तो इनकी इसकी जो जितनी भी सारी चीजें हैं, नियम हो, शर्त हो या विचार हो, वो मन की गहराई से होने चाहिए भाई। मन में
अगर तुम संसार की सांसारिक चीजों की लालसा लेकर के अगर साधना या तपस्या में बैठते हो तो फिर संभव नहीं है कि आपकी साधना सिद्ध हो जाए, क्योंकि साधना जो है वो आसान नहीं है। ये शरीर से कम और मन से ज्यादा होती है साधना, ठीक है। और जिनके अंदर साधना के संस्कार हैं, जो सच्चे मन से साधना करना चाहते हैं और उनकी लगन निष्ठा साधना के प्रति है, साधना और तपस्या एक बहती हुई धारा है जो लगातार बहती रहती है, और इसमें जितना तुम डूबोगे उतना ही इसमें मग्न हो जाओगे। इसमें जितना डूबेगा व्यक्ति उतना ही मग्न हो जाएगा, और राह में बढ़ना फिर आसान रहेगा, आगे फिर बढ़ना आसान रहेगा आपका, क्योंकि इसका जो वेग है ना, इसका जो भाव है वो एकदम जैसे कि उफनती हुई नदी होती है ना, उसके बीच में मझधार में कूद करके और अपने जीवन को बचाना इस प्रकार इस चीज के बराबर है कि बहती हुई नदी के बीच में कूद जाओ और फिर अपने आप को बचाओ। वहां पर आपको कितने दबाव झेलने पड़ेंगे, कितना भय लगेगा, या फिर कितने निर्भीक होकर के आप आगे बढ़ सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से साधना का पथ है, साधना का रास्ता ठीक उसी प्रकार से है। अगर तुम संसार की कामनाओं को लेकर के कि भाई कोई तो कहता है मेरा ये हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, पड़ोसी का घर जल जाए, फलाने का ट्रैक्टर खराब हो जाए, या कुछ भी, या फलानी लड़की है उसका मेरा वशीकरण हो जाए, अगर आप इस प्रकार की सांसारिक कामनाओं को लेकर के और फिर साधना करते हो तो इस राह में चलना आसान नहीं है। अक्सर उन्हीं लोगों की साधना सिद्ध नहीं होती जिन लोगों के अंदर ये सब भावनाएं भरी होती हैं। साधना कर रहे हैं लेकिन विचार क्या चल रहा है, विचार वही सांसारिक चल रहे हैं कि मुझे फलानी चीज मिल जाए, अप्सरा की साधना कर रहे हैं, अप्सरा आ जाए, अप्सरा मेरे गले में बाहें डाले, अप्सरा मेरे पास में बैठे, अप्सरा मेरे साथ ये करे वो करे, मतलब विचार ऑटोमेटिक ऐसे चल रहे हैं कि जो सांसारिक हैं, जिसमें वासना भरी हुई है, जिसमें कामना भरी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों को लेकर के और साधना सिद्ध हो जाए या आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, असंभव है ये। अगर आपको बढ़ना है तो फिर इन सब चीजों को छोड़ करके आपको बढ़ना होगा आगे, सांसारिक चीजों का और साधना का इसमें कोई भी तालमेल नहीं है। वो बात अलग है कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको सब चीजें ऑटोमेटिक प्राप्त होने लगेंगी, वो एक अलग बात है कि भाई आप संसार के इस सांसारिक जीवन में रह रहे हैं तो उसमें आपको ऑटोमेटिक बहुत सी चीजें प्राप्त होने लगती हैं, लेकिन आपकी कामना नहीं थी वो, आपने अपने मन में ये बात सोची नहीं, आपका जो मन था वो पूर्ण तीव्रता के साथ में जो सिद्धि की देवी हैं, देवता हैं, उनके प्रति लगा हुआ था, उनको पाने की इच्छा थी, ना कि सांसारिक चीजों को पाने की इच्छा थी। और देखिए, जो लोग इन चीजों को लेकर के साधना में प्रवेश करते हैं, सांसारिक जो हमारे संसार की जो कामनाएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मेरा
ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकड़ा हो जाए, अगर इन चीज़ों को लेकर के और हम साधना में प्रवेश करते हैं तो उस आध्यात्म की राह पर आपको जो है निराशा हताशा ही मिलेगी, इससे कुछ और ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो ऐसे ही लोग आध्यात्म पर भी और साधनाओं यानी तपस्याओं पर भी बेतुकी बातें करते हुए आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही लोग होते हैं जो इनके बारे में फिर बेतुकी बातें करते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, सब बेकार है, क्योंकि वो इस राह के राही नहीं है। अगर आप इस राह के राही नहीं हैं तो फिर इस राह पर आए क्यों? और यदि आप आध्यात्म की राह पर आ गए हैं तो किस बात का अपने मन में संशय है, किस बात का उहापोह है आपको? अगर चयन करना है तो आप के हाथ बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हैं चुनाव करने के लिए। भाई आप अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, आप में क्षमता तो बहुत है और उसके लिए कोई आपको जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है, परंतु बात यह है कि वो क्षमता उभरे तो यहां पर। इसलिए तो भ्रम है और भ्रम भी मन में कहीं नहीं ठहरता है, और भ्रमित जो व्यक्ति होगा ना वो वास्तव में कहीं भी नहीं रुक सकता है, वो उसके लिए साधना बिल्कुल एकदम बेकार है। जिसके अंदर भ्रम है और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो व्यक्ति साधना की रास्ते का नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन में क्या है, मन में तो जो है संसार की बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं, उनकी आंधी चली आ रही है, उनके दुनिया भर के झंझट हैं, वासनाओं की आग समेटे हुए भला कोई व्यक्ति तपस्या कर सकता है? तपस्या तो इन सब लालसाओं को छोड़ने के बाद संभव है, जब मन में इन लहरों के जो तीव्र थपेड़े से जो लगते हैं ना, उन थपेड़ों को शांत करना है, उन इच्छाओं को बिल्कुल एकदम मार देना है। तो ये सब चीजें अगर आपके मन के अंदर हैं तो फिर आप साधना के अधिकारी हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि मन सधे तो साधना साधे, कि पहले मन को साधने की जरूरत है, इसे भी काबू में करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मन जो है वो बहुत ही चंचल होता है और मन पर अगर आपको वश करना है, वशीकरण करना है अपने मन पर, तो वो कैसे? और ये प्रसंग कोई आज का नहीं है, ये प्रसंग तो साधकों के मन में निरंतर चलता आया है बहुत लंबे टाइम से, और इससे इस पर जो है वो अपना फोकस भी करता आया है कि भाई किसी तरीके से ये मन में कंट्रोल, मन को जो है कंट्रोल हम कर लें। लेकिन इस पर क्या है, मन पर आप दबाव भी ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं और इसे खुली छूट भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे में माध्यम क्या है, ऐसे में आप क्या करेंगे कि इसको धीरे 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 अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सब पर धीरे धीरे आपको विजय प्राप्त करनी है, जिससे कि आप श्रेष्ठता की तरफ बढ़ें। इसीलिए तो जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने कहा है कि मनु के जो खरपतवार है ना, उनको काटने हटाने की बजाय अगर अच्छी फसल ही क्यों न बो दी जाए खेत में। पहले लोग क्या करते हैं कि खेत होता है उसमें पहले खरपतवार हटाएंगे, अरे भाई खरपतवार हटाने की जरूरत क्या है, बो दो ऐसे ही, और जब बू जाएगा तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि उसमें निराई गुड़ाई करना, खरपतवार को निकालना, क्योंकि तभी तो खेत आपका बढ़िया होगा, तो फिर आप उसमें निराई गुड़ाई भी करोगे, और निराई गुड़ाई करोगे तो उसमें जो भी खरपतवार है, जो भी अनिष्ट चीजें हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रकार से
आप बढ़ जाओ साधना में, धीरे धीरे प्रयास करो, भले ही अनुभव ना हो रहे हैं मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन पर कंट्रोल करके पूरी तरीके से विश्वास के साथ उसके अंदर उतर जाओ, तो तब कहीं जा करके आपको धीरे धीरे, एकदम वो भी नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम लग जाता है इस मन को कंट्रोल करने में। और जब मन कंट्रोल होगा, एकाग्रता आएगी, तभी साधना में सफलता मिलेगी, तभी साधना में अनुभव आएंगे। एक दिन अगर आपका मन 1 मिनट के लिए भी एकाग्र हो जाएगा, उसी दिन अनुभव आपके सामने तुरंत आ जाएंगे, निश्चित है ये। जिस दिन एकाग्र मन होगा उसी दिन अनुभव आएंगे। और मन अगर इधर उधर भगा हुआ है, इधर मंत्र जाप चल रहा है, उधर मन अपने कहीं खेत पे गया हुआ है, तो फिर अनुभव नहीं आएंगे, कोई मतलब ही नहीं होता कि भाई अनुभव आ जाए। और देखो किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी में जो ये वैराग्य होता है ना साधना के प्रति, ये बचपन से ही होता है ये भाव, और किसी में तो जन्म जाति होता है, जैसे कि भाई कोई ईश्वर की कृपा ही इस चीज को उपलब्ध करवा दे कि भाई जन्म जात उसमें हो जाए। क्योंकि जैसे शंकराचार्य थे, स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे, तो इनमें तो जन्म जात था, वैराग्य का भाव था, और इसी कारण से ये बहुत जल्दी साधना के शिखर पर ऊंचे पहुंच गए, और उन्होंने इस मानव जीवन को एक अलग ही प्रेरणा दी है। तो इसलिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको टाइम लगता है इस भाव को जागृत करने में, वो धीरे धीरे जागृत करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो करना भी ही नहीं चाहते जागृत, उन्हें उनके अंदर भाव ही नहीं आता है। साधना के लिए तो ठीक है, माला उठा ली, लेकिन भाव तो आया नहीं ना, तो फिर साधना कहाँ से सिद्ध होगी। लगातार कितना भी लगे रहो कुछ नहीं होने वाला उससे। तो यही है कि मन में जो आपके लहरें उठती हैं वो संसार की, उनको शांत करना जरूरी है। और जब उसको शांत कर दोगे ना, तो शांत क्या होता है, शांत होता है सागर, सागर की तरह बिल्कुल एकदम शांत बन जाता है व्यक्ति, तब वो जो है अपने इष्ट का, अपने लक्ष्य का, अपने प्रभु का, उसकी छवि को तब वो देख पाता है। मन के अगर इस शांत सागर में अगर एक भी लहर उठ जाएगी, तो जो प्रतिबिंब है भगवान का, उसकी छवि का, उसका आकार विकृत हो जाएगा अगर एक भी लहर उठेगी। मन जब शांत हो जाएगा समुद्र की तरह बिल्कुल शांत, तो समझिए कि आपके सामने उस प्रभु की छवि आ जाएगी। और देखिए यहां पर मैं कोई साधना करने के लिए संसार को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप संसार को छोड़ करके और बस योगी संन्यासी ही बन जाए। यहां पर संसार का जो मेरा मतलब है वो है सांसारिक जो कामनाएं हैं हमारी, जो वासनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे मतलब है यहां पर। इन सब चीजों को छोड़ने की बात कही जा रही है, ना कि आपको साधु बनने की बात कही जा रही है। ठीक है, इनसे संघर्ष करो, इनके ऊपर विजय प्राप्त करो, और अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अड़िग रहो। जब आपकी ये शर्तें हैं साधना की, तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। और तीव्र वेग से उफनती हुई जैसे नदी होती है ना, तीव्र वेग के साथ में जब आप तीव्र वेग के साथ में साधनाएं करेंगे ना, तो फिर सब कुछ बाहर ले जाती है वो अपने साथ में, जितना भी कूड़ा कचरा सब कुछ होता है सब बह जाता है, फिर कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे लक्षण अगर आपके अंदर हैं, तो फिर आप साधना के अधिकारी हैं, साधना सिद्ध होगी।
ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए जो मैंने कहा है उस पर गौर करना, उसको अपने जीवन में उतारना। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।